Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hi friends, welcome back to my channel. बहुत टाइम हो गया मेरे को एक वीडियो लाए हुए, काफ़ी एक वीक से ऊपर हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊं. थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला है एक वीडियो बनाने का, सोचा एक सप्लीमेंट का रिव्यू कर लिया जाए जिसके बारे में अभी तक कोई वीडियो आई नहीं है मेरे चैनल पे. तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कौन सा आज प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं और किस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा हूं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके बारे सबके बारे में मैं आपको बताऊँगा. तो आज मैं जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है अमीनो एनर्जी. ऑन कंपनी का ये ब्रांड है और ये ऑन, आपको पता ही है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कितने सालों से मार्केट में सर्वाइव कर रही है और बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है. कई ब्रांड्स आए बट वो नहीं सर्वाइव कर पाए, बट ये ऑन एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत अच्छे टाइम से सर्वाइव कर रहा है और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हमारे इंडियन मार्केट में, इंडियंस की जो बॉडी है उसको काफ़ी सूट करते हैं. तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं. एक्चुअली मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी इसकी अमीनो एनर्जी की, क्योंकि आजकल जैसे मैं कटिंग और शेडिंग की तरफ मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से एक प्रोडक्ट बाय करूं और इसको यूज़ करूं, क्योंकि मेरे को अभी अपने मसल्स को रिकवरी में रखना है और हैवी वेट के साथ जब मैं वर्कआउट करता हूं, कार्डियो करता हूं, तो मुझे मसल को रिकवर रखना है, अपने टिश्यूज़ को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने सबसे पहले लेने के बाद जब इसको टेस्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा एक फ़्लेवर मिला और काफ़ी अच्छा एक टेस्ट के साथ साथ एक बूस्ट मिला, जिसमें मेरे को एक्सरसाइज करने में काफ़ी एक एनर्जेटिक फील हुआ. माइंड में आया कि मैं क्यों ना ये चीज़ अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊं और बताऊं कि इसका क्या बेनिफिट्स है और इसको कितना लेना है, क्यों इसका बेनिफिट है, क्यों इसका यूज़ है, कब इसका यूज़ है और कब इसका यूज़ नहीं है. तो मैंने यही सोच के फटाफट कहा कि इस कंटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और सप्लीमेंट का रिव्यू करते हैं अमीनो एनर्जी के ऊपर, जो कि है ऑन ब्रांड का. तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आपको ये तो पता ही होगा कि BCAA होते क्या हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, और वो आपके मसल के रिकवरी के लिए, मसल टिश्यूज़ के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपको मसल का जो साइज़ होता है उसको मेंटेन रखते हैं. अगर आप इसके साथ अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में आपका जो मसल टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, टूटने नहीं देता, ब्रेक डाउन होने नहीं देता, या फिर आप कह लो कि ये टिश्यूज़ को हमारे टीयर नहीं होने देता. तो ये सारी बातें तो आपको सबको पता ही हैं, बट मैं आपको एक सीधी और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये बताना चाहूँगा कि इसकी रिक्वायरमेंट कब है और कब नहीं है. मोस्टली केसेस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप अपनी बॉडी में मसल्स को बहुत ज़्यादा आपने मैच्योर कर लिया, आपके मसल साइज़ बहुत अच्छा है, बट अगर आप कटिंग और शेडिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको एक अपने मसल को मेंटेन रखना है, आपने गेन अच्छा कर लिया है बट अब आप चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अब शेडिंग की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा साइज़ गेन करके, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बॉडी से फैट को कम करूँ बट मेरा मसल कम ना हो, तब इस चीज़ का आप यूज़ करें. अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप बिगनर हैं, आप एक जिम जाना अभी शुरू आपने किया है बट आप अभी धीरे धीरे आपकी बॉडी में अभी फ्रेम भी नहीं बना, आपके मसल भी नहीं है अभी बॉडी में, तब आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसकी रिक्वायरमेंट कब है वो मैंने आपको एक सीधी ईजी स्टेप्स में बता दिया है कि इसकी रिक्वायरमेंट कब है. इसको आपको कितना लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एक स्कूप इसका इनफ है, ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट से पहले भी आप एक ग्लास इसको पी सकते हैं. जो ये वाला ब्रांड है अमीनो एनर्जी का, इसको आप कभी भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं इसको. बट इसके भी एक मैं आपको एक सिंपल सा वे में बता देता हूँ. अगर आप वर्कआउट करते करते जल्दी थक जाते हैं और आपके अंदर स्टेमिना कम है, आप तो इसको आप इंट्रा वर्कआउट में लें. अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना अच्छा है बट आप एक बूस्ट देना चाहते हैं अपनी बॉडी में, पुश करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो आप पहले भी इसको पूरा पी के स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आप पूरी एक्सरसाइज आराम से कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको लास्ट में पीऊं क्योंकि मेरी मसल को रिकवरी बाद में मिले, ड्यूरिंग ना मिले, वर्कआउट के बाद में मिले, तो आप इसको लास्ट में भी पी सकते हैं. बट लास्ट में पीने का एक प्रॉब्लम ये रहेगा आपको कि आप जब प्रोटीन अपना शेक पीते हैं उसमें आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो प्रोटीन का जो फ्लेवर है वो आपको अनइवन हो जाएगा, वो एक जैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है या डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है और प्रोटीन ज़्यादातर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और कुकीज़ एंड क्रीम टाइप उसमें आता है, वो फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा. तो मेरी आपसे यही एक रिकमेंडेशन है, या तो आप इसको बिफोर वर्कआउट पूरा लें या फिर आप ड्यूरिंग वर्कआउट लें, और अगर आपने पोस्ट वर्कआउट लेना है तो फिर आप प्रोटीन आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद लें इसके लेने के बाद.
मैं इसकी बात कर लेता हूँ रिव्यू के बारे में, जो इसकी मेन बात है कि इसका क्या रिव्यू है, इसको लेना चाहिए कि नहीं या कोई और ब्रांड पे जाना चाहिए। तो ओवरऑल इसके बारे में मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको 30 सर्विंग्स मिल जाती है, जो कि इसमें आपको रिकमेंडेशन जो है वो दो स्कूप्स की है, जो कि 9 ग्राम्स के दो स्कूप हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन एक स्कूप की है, जो कि एक इनफ है। और अगर आप एक स्कूप भी इसको लेंगे तो ये 30 डेज तक आपको अच्छा एक फ्लो में रखेगा और आपको एक अच्छी एक एनर्जी मिलती रहेगी ड्यूरिंग वर्कआउट। तो दो स्कूप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा हमें लोड नहीं डालना अपनी बॉडी में, एक स्कूप इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी है, आप दो स्कूप भी ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा दो स्कूप के लिए। इसके टेस्ट के बारे में बात करूँ तो मैंने अभी तक ऑरेंज फ्लेवर ही ट्राई करा है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका फ्लेवर। मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और प्राइसिंग की बात करूँ तो 1200-1300 रुपये की रेंज में काफ़ी अच्छा आ जाता है। जिसको लेना हो वो मुझे या कमेंट में मेंशन कर सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसको सारी डिटेल इसके बारे में बता दूंगा। और कोई चीज़ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या कुछ पूछना तो आप मेरे को बता सकते हैं या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको कमेंट्स के रिप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे को जो कमेंट्स करते हो, मुझसे पूछते हो, मुझे एक मौका देते हो कि मैं आपको बता पाऊँ और अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी बात बता पाऊँ, या कुछ एक अच्छी गाइडेंस आपको दे पाऊँ जिससे आपको भी एक सेफली चल पाए इसमें। क्योंकि सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स की जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर अगर आप सेफली चलेंगे या जो मेरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो लाइक करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नई नई चीज़ों पर, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे सप्लीमेंट्स रिव्यू हो गए, हो गए, डाइट हो गई, न्यूट्रिशन हो गया और स्टीरॉइड्स के ऊपर मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।